आज हम चॉकलेट फज केक बना रहे हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने उसके मोल्ड तैयार कर लेने हैं, यानी जिसमें हम केक बेक करेंगे। वो कोई भी आप ले सकते हैं। हमने इस तरह के 3 लिए हैं और उसको हम घी या ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। घी लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, उसकी लेयर थोड़ी सी अच्छी आती है। या बटर लगा लें और उसके ऊपर मैदा डस्ट कर दें। और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको हम निकाल लेंगे। अच्छी तरह से लगाएं। इसी तरह हमने तीनों को तैयार कर लिया है, इसको एक साइड पे कर देंगे। अब हमने सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक जगह मिक्स कर लेना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमने चीनी ली है 2 कप, मैदा है 1 कप प्लस 3/4 कप। वो हमने इस तरह मेजर किया है, 1 कप मेजरिंग कप में होता है और 3/4 कप नहीं होता, तो उसके लिए हमने 1/2 कप लिया है और 1/4 कप, इस तरह हमने 3/4 कप मेजर किया है। कोको पाउडर 3/4 कप, इसको भी इसी तरह मेजर किया है, यानी 1/2 कप और 1/4 कप। बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1.5 टीस्पून, यानी 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून। सॉल्ट, नमक 1/2 टीस्पून, इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों का मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स लेते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमने लिया है ऑयल 1/2 कप, मिल्क दूध जो नॉर्मल दूध होता है और रूम टेम्परेचर पे 1 कप, अंडे 2 अदद और वेनिला एसेंस 1.5 टीस्पून। अब हम और पानी है बिल्कुल उबला हुआ तेज़, मतलब गरम, वो 1 कप है, वो हम बाद में शामिल करेंगे, पहले हम ये चीज़ें शामिल कर लेंगे। अंडे, वेनिला एसेंस, दूध, ऑयल, बस उसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है। अब हमने जो ये मिक्सचर तैयार किया है इसको हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट से मिक्स कर देंगे।
थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हमने एक कप पानी लिया है, जो आपको महसूस हो रहा होगा कितना तेज़ गर्म है ये, और इसको ये थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। मिक्सचर हमारा तैयार हो गया बैटर केक का। अब हम इसको पलट लेंगे और तीनों में बिल्कुल इक्वल डालना है। आप किसी चीज़ से, किसी कप से मेजर करके भी डाल सकते हैं और अंदाजे से भी डाल सकते हैं। अब कोई आप इस तरह की ट्रे ले लें, उसके अंदर इस तरह मोड़ लग लें, हमेशा किसी ट्रे के अंदर रखें। अब इसको हम बेक करेंगे। हमने ओवन को प्रीहीट कर लिया था 300 पर और हम तकरीबन 25 मिनट्स के बाद चेक कर लेंगे और फिर लास्ट में आपको फिर टाइम बिल्कुल कंप्लीट बता देंगे। अभी हम इसको बेक करने के लिए रख रहे हैं। 30 मिनट्स हो गए, चेक कर लेते हैं। रेडी हो गए। इसको तकरीबन बेक होने में 25 से 30 मिनट लगते हैं। 25 मिनट पे आप चेक कर लें, ओवन के हिसाब से भी टेम्परेचर फर्क हो सकता है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इसको ठंडा होने के लिए हम थोड़ा टाइम देंगे और जब तक फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं हम। फ्रॉस्टिंग के लिए हमने 1/2 kg व्हिप क्रीम का बॉक्स लिया था, उसको व्हिप कर लिया है और उसमें से व्हिप होने के करने के बाद हमने 1 कप क्रीम निकाल ली है। इसको हम अलहदा कर देंगे और ये क्रीम हम यूज़ करेंगे। 400 ग्राम कुकिंग चॉकलेट लिए, डार्क कुकिंग चॉकलेट, उसको इस तरह चंक्स में कट कर लिया है। अब हम इसको डबल बॉयलर पर मेल्ट करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी क्रीम शामिल करेंगे व्हिप की भी। आप व्हिप करने से पहले भी क्रीम शामिल कर सकते हैं। और अब हम इसको डबल बॉयल अप रखेंगे। इस तरह हमने पैन में पानी बॉईल कर लिया है, लेकिन अब हम इस पानी के फ्लेम को स्लो कर देंगे, बिल्कुल स्लो, और चॉकलेट वाला बाउल इसके ऊपर रख देंगे। एक से दो मिनट के बाद हम इसमें हल्का सा इसको मिक्स कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं और मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो गई चॉकलेट हमारी। अब हम इसको उतार लेंगे। अब जो चॉकलेट हमने मेल्ट की है वो हम इसमें शामिल कर दें क्रीम में। इसको बीट कर लेंगे हम।
अब हम सिंपल सिरप तैयार कर लेते हैं। सिंपल सिरप के लिए हमने 1 कप पानी लिया है और 4 टेबल स्पून चीनी ली है। इसको हम मिक्स कर देंगे, इसको अच्छी तरह डिज़ोल्व कर लेंगे। आप इसको हल्का सा गर्म भी कर सकते हैं। अब इसको एक साइड पे रख देंगे। अब हम अपने केक को कट कर लेते हैं। तीनों केक इस तरह हमारे बेक हो गए थे। अब हम इनको मोल्ड में से निकाल के कट करते हैं। हमने इनको 3 जगह पे इसलिए बेक किया है कि हमको इनको लेयर्स की कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, बस हम ऊपर का थोड़ा सा पीस इसका निकालेंगे। इसी तरह हम बाकी सबको भी कर लेंगे और ये पीस को हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी हम क्रीम लगा लेंगे, इससे ये स्लिप नहीं होगा हमारा जो हम स्पंज रखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर सिंपल सिरप या शुगर सिरप जो हमने बनाया था वो डालेंगे। आप इसके ऊपर दूध भी डाल सकते हैं और कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं उसको थोड़ा डाइल्यूट करके। क्रीम को हमने पाइपिंग बैग में डाल लिया है, उसको हल्का सा कट कर लिया है। थोड़ा चॉकलेट चिप लिया हमने। दूसरा पीस इसके ऊपर रखेंगे और इस पर भी अच्छी तरह से सिंपल सिरप डालेंगे। थर्ड लेयर रखेंगे। तकरीबन हाफ कप चॉकलेट लिए, उसके अंदर हम वही क्रीम जो हमने चॉकलेट क्रीम बनाई थी उसमें से थोड़ी क्रीम शामिल करेंगे और इसको डबल बॉयलर पर मेल्ट करेंगे।
तकरीबन तीन टेबल स्पून या चार टेबल स्पून क्रीम इसमें ऐड करें, और इसको चार टेबल स्पून क्रीम को हम डबल बॉयलर पर मेल्ट करते हैं। चॉकलेट गनाश हमारी तैयार हो गई है। हमने चॉकलेट और अपनी चॉकलेट क्रीम को, विप क्रीम जो थी उसको मेल्ट किया था। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और इतनी देर में हमारा केक भी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जब आप चॉकलेट गनाश डालें तो केक अच्छा खासा ठंडा होना चाहिए और चॉकलेट गनाश रूम टेम्परेचर पे। अगर इसको आपने ठंडा कर लिया तो ये हार्ड हो जाएगी। अब थोड़ा वेट करते हैं हम। अब हम गनाश को केक के ऊपर डालेंगे, सेंटर में बिल्कुल डालें। यूज़ कर रहे हैं।